राष्ट्रीय समता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक हुई संपन्न। मिर्जापुर चंदौली बॉर्डर स्थित गोपालापुर ग्राम सभा में राष्ट्रीय समता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी में नए सदस्यों को जोड़ना रहा। बैठक में मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर समेत कई जनपदों के जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार ने वर्तमान सरकार को जमकर घेरा एवं महिलाओं एवं समाज में हो रहे अन्याय पर और शोषण की कठोर निंदा करते हुए शासन पक्ष पर जमकर बरसे। उक्त अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पुनवासी राम प्रजापति, अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताजुद्दीन, महिला मोर्चा के अर्चना पुष्पकार एवं किरण सिंह समेत अनेकों नए एवं पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। हमारे भाई कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले माननीय अजय मिश्रा जी और प्रदेश की कमान संभालने वाले युवा जाबाज संजय सिंह, ये सारे लोग मिलकर के पार्टी के कारण को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, खुद को कर्म लिखना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। आज आप लोग कहते हैं कि नारी जो होती है वो जगत जननी होती है, नारी ही सारे समाज का विकास करती है। आज धरती पे जितने भी लोग हैं सभी का कहीं ना कहीं से नारी के द्वारा ही विकास हुआ है। हमारे देश में ज्यादा नहीं कुछ ही बहने उपस्थित हुई है, इन सभी बहनों के लिए योगदान था क्या। नारी शक्ति बहुत आगे बढ़ चुकी है, महिलाएं आगे बढ़ चुकी है हर क्षेत्र में, लेकिन जब तक यहाँ पे बैठे हुए ये कुर्सियां प्रबल हो गई है, इसीलिए आप सभी को जानना होगा और दूसरों को जगाना होगा कि वो सभी आपके साथ आए किसी तरीके से, उनसे राय अपनी बढ़ाए, गलत के लिए आवाज उठाना सीखे और सही के लिए भी आवाज उठाना सीखे, गलत के लिए ना कहना सीखे। आज हमारे समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो आप सभी के सामने है। कहते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो चल रहा है अभियान, वहाँ पे जो बेटी बचाओ भी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही है और ना बेटी पढ़ रही है। जो समाज में बेटियों के आज व्यवहार हो रहे हैं, बड़ी उम्र जो केस आपके सामने है, आप सभी को वहाँ पता होगा। बस मैं आप सबसे एक छोटा सा निवेदन ये करना चाहती हूँ कि आप सभी के पास यदि वो वीडियो है तो कृपया करके उसे सोशल मीडिया पे ना अपडेट करें। सभी को पता है कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, बार बार उसे अपडेट करके उसे और अपमानित ना करें। और जिस तरीके से प्रेस वार्ता की तरह या सोशल मीडिया के लोग उसी तरीके से बार बार उस नारी के बारे में जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो शब्द का प्रयोग ना करें। सर, आज राष्ट्रीय समता पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन देखने को मिला है, क्या उद्देश्य है सम्मेलन का? देखिए, उद्देश्य तो हमारे बहुत से हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है बाकी पार्टियों से हटके 95-5 के बारे में आप बोलेंगे तो 95-5 मतलब अमीर वर्सेज गरीब की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 95% हमारे समाज में, हमारे देश में मीडियम या गरीब हैं और 5% लोग अमीर हैं। अमीर और गरीब की परिभाषा यूँ समझ लीजिए कि 5% लोग वो हैं जिसके पास इतनी पैसा है कि उनको खुद को पता नहीं कि उनके पास कितनी दौलत है, और गरीब और अमीर इसी की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं। सर, 2024 का सामने चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव साधने में लगी हुई है, क्या कहेंगे 24 के चुनाव को लेकर के? भाई, हमारा जो मुद्दा है बाकी पार्टियों से हटके है और हमारे मुद्दे को देख करके हर समाज का, हर जाति का लोग बहुत तेजी से पार्टी के साथ जुड़ रहा है और 2024 में हम पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी मणिपुर की घटना पर कुछ बोलेंगे? मणिपुर की घटना के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बोल पाऊंगा,
क्योंकि वो काफी उसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार का क्या रोल समझते हैं आप, बीजेपी सरकार का विशेष रूप से? नहीं, सरकार का रोल तो इसमें बहुत है, क्योंकि वहाँ पर मणिपुर में सरकार उनकी है और कांड होने के एक महीने बाद तक मतलब इस कांड को छुपाया जाता है, तो अब समझ लीजिए कि मतलब कहाँ तक। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पे यदि राष्ट्रीय समता पार्टी कोई पहल उठाए तो क्या कदम होगा आपका? भाई पहले अगर हम सत्ता में आए तो इस पे कानून बनेगा। कानून बहुत सिंपल सा है कि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे हम कोई कानून नहीं बना पाएंगे, और सत्ता में आने के लिए हमको अपने संगठन का विस्तार करना है और विस्तार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम सत्ता में आएंगे तब भ्रष्टाचार और जो महंगाई है इसके बारे में डिटेल से जानकारी होगी, क्योंकि मौजूदा सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर के ही सरकार में आई थी 2014 में, अभी महंगाई का मन ही बोल रहे हैं। सर एक विशेष है, जैसे आध्यात्मिक बातों को लेकर के हिंदू मुस्लिम और तमाम जाति संप्रदाय को लेकर के कई टिप्पणियां महिलाओं को भी लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री चर्चे में चल रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है बाकी पार्टियों के से हट के, हमारा न हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है, न इंडिया पाकिस्तान का कोई मुद्दा है, हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है, भाई भाई ये सभी लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई है, सभी के माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने।